गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल ऑल इन वन ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं रुंगटा कॉलेज। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कॉलेज कैसा है और कितना अच्छा है। ये हुई हमारी थर्मल स्क्रीनिंग। तो चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं अंदर का नज़ारा। और ये आप देख सकते हैं कि राइट साइड में कितनी अच्छी प्लांटिंग हो रखी है और काफ़ी ग्रीन ग्रीन है। और जो सामने दिख रहा है ये R2 का कॉलेज है। और ये है स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो सामने दिख रहा है ये बास्केटबॉल कोर्ट है। और ये इसके आगे है पार्किंग के सेट्स। तो चलो गाड़ी पार्क करते हैं और आगे चलते हैं। और ये साइड में कैंटीन जो भी बंद चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टाफ की पार्किंग हो रखी है। और जो सामने ये बी ब्लॉक है और जो साइड में वो ए ब्लॉक है। और अभी हमें बी ब्लॉक के अंदर, तो आप देखो सामने से अंदर की बिल्डिंग कितनी अच्छी है, काफ़ी सुंदर है। वैसे देखो आप, मैं आपको पूरी दिखाता हूँ। अब हम यहाँ से जा रहे हैं साइंस और मैनेजमेंट की बिल्डिंग में। तो सामने आपको व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है, साइंस और मैनेजमेंट की बिल्डिंग है। और ये साथ साथ सी ब्लॉक भी है। मुझे लाइब्रेरी कार्ड बनाना था। स्टूडेंट्स के लिए वेटिंग के लिए चेयर लगी है ताकि आप इंतजार करो बैठ के, अगर कुछ काम है आपका तो। और यहाँ एक छोटा सा गार्डन है जो कि पूरी बिल्डिंग के बीच में है। लिफ्ट है, वैसे लिफ्ट अभी बंद चल रही है। हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और लाइब्रेरी में जाएंगे। यहाँ से मैं आपको पूरी बिल्डिंग दिखाऊंगा कितनी अच्छी दिखती है। देख लो आप लोग, क्लासरूम दिखाता हूँ कैसे हैं। ये तो एक क्लासरूम, आगे और भी खुले हैं, चलो वहाँ भी देखते हैं वहाँ कैसा है। अभी सारी लाइट्स वगैरह ऑफ है।
यह ए और बी ब्लॉक के पीछे का। अब यहाँ से हम होते हुए ए ब्लॉक में जाएंगे, तो चलो और आगे चलते हैं। ए ब्लॉक के सामने भी एक गार्डन बना हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी है जहाँ एडमिशन वगैरह का काम होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। ये मतलब मेन ऑफिस है, आप देखना चाहोगे तो। और इस साइड में फीस काउंटर है। और ये ए ब्लॉक की बिल्डिंग का अंदर से व्यू दिखाता हूँ आपको। वैसे लगभग दोनों सेम है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अलग है इनमें। चलो देखते हैं। और एक सामने एक स्टेज है जहाँ कॉलेज के फंक्शंस वगैरह होते हैं। और मैं अब आपको सामने से दोनों बिल्डिंग एक साथ दिखाता हूँ। ये बी ब्लॉक और जस्ट इसके बगल में है ए ब्लॉक। और अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं ए ब्लॉक से। वैसे दोनों बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सेम ही बना जहाँ तक है। और जस्ट इस बिल्डिंग के पीछे अब हम यहाँ से होते हुए जाएंगे सेंट्रल लाइब्रेरी, जो इस कॉलेज की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों की है। चलो देखते हैं। अब हम पहुंच गए सेंट्रल लाइब्रेरी, तो आपको अंदर से दिखाता हूँ कि लाइब्रेरी कितनी अच्छी और कितनी बड़ी है। डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ सिस्टम से और आप लाइब्रेरी कर सकते हो। सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों की ना पूरी। सर आ सकना जी सर।
जी जी सर। बुक्स रहते थे अभी क्या हुआ उसको बढ़ाए हैं, बहुत सारी किताबें आई हैं तो पहले से उसके लिए रैक सेल्फ को बनाया अरेंज करने के लिए फिर रैक बढ़ाया तो उसको बीच में रैक को चेंज गैप हो गया। हाँ मैकेनिकल को बढ़ा दिया गया, पहले यहाँ इलेक्ट्रिकल एक साथ आगे पीछे था इसलिए जगह बना बना कर रखे हैं, अभी ऐसा हो जाए यहाँ लग गए इधर ला के लगा के इधर दूर को अरेंज किया गया मैकेनिकल यहाँ तक चल दिया गया, पहले मैकेनिकल यहीं चल गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्क कर दिया वाशरूम है गर्ल्स वाशरूम है उत्तर बॉयज वाशरूम। सर टोटल कितने फ्लोर हैं इस लाइब्रेरी के? फोर हो गए, वन टू थ्री। अभी हम सेकंड में हैं, अब लास्ट टॉप फ्लोर छः महीने के लिए ठीक है, उसका 4,000 रुपये हम जमा लेते हैं, उसमें नॉट रिफंडेबल रहता है पर सेमेस्टर का 500 रुपीज़ मान के चलिए। ये बुक बैंक की सर्विस है, इसमें 6 बुक दे देते हैं बच्चों को पूरा पढ़ने के लिए 6 महीने के लिए पूरा एक सेमेस्टर का पढ़ के वापस कर ले सर। तो ये एडिशनल फीस मतलब जो पूरी फीस है तो उसी में एडिशनल रहता है ना? अच्छा ये अलग अगर आप चाहिए तो ले नहीं बुक क्वेश्चन पेपर ही पूरे मिलेंगे, पूरे मिलेंगे क्वेश्चन सर, हार्ड कॉपी मिलेगा सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी की ऐसा रहता है कि आप जाएंगे वहाँ पर मेल आईडी बताएंगे आपको मेल में डालते हैं, मेल ट्रांसफर मतलब ऐसा है कि पूरी सिस्टम है यार, पूरा सिस्टम हमने ऐसा बनाया, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कैमरे सब जगह लगे जी सर, कैमरे में घूम रहे तभी सब लोग देख रहे हैं देख सकते हैं। ये पूरा डिफरेंस है, मतलब हर एक का एक एक बुक जी सर। जैसे मान लो कोई किताब आपको मैथ्स की किताब नहीं मिली, सपोज इशू हो गया पूरे बच्चों को जी सर, तो वन कॉपी यहाँ मिल जाएगी आपको, मतलब बच्चा यहाँ आके बैठ के पढ़ना चाहे तो इस किताब ये पढ़ने के लिए रहेगा, पढ़ने के लिए मतलब ये नहीं हो सकता कि पूरी खत्म हो जाए, खत्म हो गई है। इधर का सेक्शन है, ये क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी, अच्छा सिलेबस भी है, सिलेबस मिलेगा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इस तरह से हम क्वेश्चन पेपर बाइंडिंग करा लेते हैं और 6 मंथ का ऐसे बाइंडिंग हर ब्रांच का मिलेगा ना सर क्वेश्चन पेपर इंजीनियरिंग के पर्पस से? नहीं नहीं बीसीए का उधर मिलेगा, वो लाइब्रेरी सी ब्लॉक में जाओगे ना तो ये इस तरह से और सिलेबस रखा हुआ जो सर सिलेबस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर और ये क्या है पुराने जितने भी जर्नल्स होते हैं ना उसको हम लोग पीछे डंप कर देते हैं। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है फार्मेसी वालों की बिल्डिंग है, और इसके जस्ट आगे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का हॉस्टल है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।